आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हर महिला के लिए बेहद ही खास है, फिर चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वुमेन हो। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये दिन पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है। इस दिन को सेलिब्रेट तो हर कोई कर रहा है, लेकिन इस दिन के पीछे की सच्चाई बहुत कम ही लोग जानते होंगे, और इसके बारे में हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो आप यूनिवर्स YouTube चैनल पर देख रहे हैं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का श्रेय जिस महिला को जाता है, उनका नाम है सरबर मलकियत। इनके बारे में कई अन्य मीडिया रिपोर्ट्स में भी बताया जा चुका है। सरबर ही वो महिला है जिन्होंने US में सबसे पहले वुमेन्स डे मनाने की शुरुआत की थी, महिला दिवस मनाने की वकालत की थी। महिलाओं के पक्ष में अपनी आवाज बुलंद करते हुए इन्होंने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिलवाया, जिसके लिए उन्होंने कई शहरों में आंदोलन भी किए। जानकारी के लिए बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले सन 1909 में न्यूयॉर्क में मनाया गया, जो कि एक समाजवादी राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया गया था। बाद में सन 1917 में सोवियत यूनियन ने इस दिन को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। देखते ही देखते वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने का चलन आसपास के देशों में भी बढ़ता चला गया। पहले इस दिन को हर फरवरी के आखिरी रविवार को सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन सन 1917 में रूसी महिलाओं ने रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला लिया, और ये हड़ताल ऐतिहासिक थी। रूस में उस वक्त पर जूलियन कैलेंडर चलता था। उस कैलेंडर के अनुसार 1917 की फरवरी का आखिरी रविवार 23 फरवरी को था, जबकि वहीं दूसरी ओर ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन तारीख 8 मार्च थी। क्योंकि उस वक्त पर पूरी दुनिया में ग्रेगेरियन कैलेंडर चलता था, जिसके बाद 8 मार्च को ही विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। थेरेसा सरबर मलकियल का जन्म 1 मई 1874 को रूस के बाहर एक शहर में हुआ था, और ये वो वक्त था जब महिलाओं के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते थे। सन 1891 में सरबर अमेरिका में आकर बस गई। वहां उन्होंने ये देखा कि अमेरिकी महिलाओं पर भी कई तरह के प्रतिबंध हैं, उन्हें भी कई तरह के अधिकारों से वंचित रखा जाता है। वो लगातार महिलाओं की समानता और उनके अधिकारों के लिए आंदोलन करती रही, लड़ाई लड़ती रही। देखते ही देखते वो महिलाओं की एक सशक्त आवाज बन गई, और उनके ये आंदोलन पूरी तरह से कारगर साबित हुए। महिलाओं को काम मिलना शुरू हो गया। वो बाद में सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका की सदस्य भी बनी, और तभी से ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों के जश्न के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर के लोग इस दिन महिलाओं के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं, उनकी प्रशंसा कर उनके प्रति प्यार जताकर इस दिन को उनके लिए खास बनाते हैं। बताते चले कि इस बार वुमेन्स डे की थीम का नाम है #BalanceForBetter। इस बार महिला दिवस पर जेंडर बैलेंस को बनाने के लिए इस थीम को सेलेक्ट किया गया है। इस दिन आप भी अपने आसपास मौजूद महिलाओं को स्पेशल ट्रीटमेंट देकर उन्हें स्पेशल फील करा सकते हैं। तोहफे में आप उन्हें गुलाब, गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, कार्ड या कोई अन्य चीज दे सकते हैं जो उन्हें पसंद हो, या फिर कोई अपना मनचाहा तरीका भी अपना सकते हैं। कुछ अलग करके आप महिलाओं को खास फील करा सकते हैं। इस तरह से आप भी वुमेन्स डे सेलिब्रेशन का हिस्सा बन जाएंगे। स्टोरी को लेकर आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।